नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और जिस तरीके से टेलीकॉम बिल को पास किया है उसके बाद अब जो जानकारी निकल के आ रही है कि लोकसभा में इस बिल को पास होने के बाद, खास कर अगर बात करें तो जिस तरीके से अब फर्जी सिम लेने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसमें 3 साल की सजा और 50 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया है। इस तरह की बात, इस तरह की खबर निकल के सामने आ रही है। जिस तरीके से बिल पास हुआ है, बिल की बड़ी बात है मैंने आपको बताई। खासकर अगर बात किया है तो नीमच मंदसौर चित्तौड़ का अफीम उत्पादक इलाका है, यहाँ पर फर्जी सिम बेचने का एक कारोबार बड़ा तेजी से चलता है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से ये अवैध काम यहाँ पर अफीम तस्करी का किया जाता है, डोरा चोरा तस्करी का किया जाता है और इसमें जिस तरीके से फर्जी सिमों का उपयोग किया जाता है, कई बार कई मामले सामने भी आए कि तस्करों के द्वारा जो मोबाइल कंपनी है जो मोबाइल सिमें बेचते हैं उनसे साठगांठ करके सीधे फर्जी सिम खरीदते हैं दूसरे के नाम से और फिर जो है उस सिम का उपयोग किया जाता है। और कई बार देखने में मिला है कि पुलिस फिर जिस नाम से सिम होती है उसके घर जाती है तो पता चलता है कि ये उसके नाम से सिम खरीदी गई, लेकिन वो उसका इस सिम से लेना देना ही नहीं, उसको पता ही नहीं है। इस तरह कई फर्जी केस देखने को मिले। लेकिन अब बड़ी बात, बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि क्या इस बिल पास होने के बाद नीमच मंदसौर में जो फर्जी सिम बेचने वाले मोबाइल कंपनी के जो एजेंसी संचालक हैं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी क्या। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से ये बिल पास हुआ उसके बाद जो फर्जी सिम बेचने वालों की धड़कनें बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि इसमें 3 साल की सजा है और 50 लाख रुपए का जुर्माना है, क्योंकि यहाँ पर अफीम की खेती होती है और यहाँ पर अवैध रूप से जिस तरीके से तस्करी की जाती है, तस्करी में खासकर फ़ोन का इस्तेमाल किया जाता है, सिम का इस्तेमाल किया जाता है, फर्जी सिम का उपयोग कर तस्करी को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में बड़ी खबर ये निकल के सामने आती है कि क्या अब जो फर्जी सिम बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी क्या। ऐसे में अब उनकी धड़कनें बढ़ती हुई दिख रही है इस बिल पास होने के बाद। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए मेरे साथ जय हिंद जय भारत।